गलती की है, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभानंद। राहुल गांधी को सूरत सत्र न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल ने खुद को मिली 2 साल की सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी, लेकिन सूरत कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगरा ने की, जिन्होंने राहुल गांधी के आवेदन पर 20 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद पता चला कि इस फैसले में भी राहुल गांधी को राहत नहीं दी गई है। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में सजा सुनाई गई थी। उन्होंने साल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली करते हुए टिप्पणी की थी कि सभी मोदी चोर क्यों होते हैं। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उनके इस बयान के खिलाफ सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के एक दिन बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उनके 8 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। अपनी इन्हीं मुश्किलों से निजात पाने के लिए राहुल गांधी सत्र न्यायालय की शरण में गए थे, जहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी की इन दुश्वारियों का अंदाजा उदय इंडिया को पहले से ही था। जब उनको सूरत कोर्ट से सजा हुई थी, तभी मैंने राहुल गांधी को सलाह दी थी कि माफी मांगे बिना राहुल गांधी के सामने कोई और चारा नहीं बच रहा है, क्योंकि उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था, इसलिए उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। साल 2019 में ही राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए पूरे मोदी समुदाय को चोर बता दिया था, क्योंकि वो पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। लेकिन ऐसा करते हुए राहुल गांधी भूल गए कि इन तीनों के अलावा देश में लाखों और मोदी सरनेम वाले लोग भी हैं। माननीय गुजरमल मोदी द्वारा स्थापित मोदी समूह देश का एक बड़ा औद्योगिक समूह है, जो कि टायर, धागे, बहुत सारी चीजें बनाता है। इसके अलावा सोहराब मोदी भारत के एक बड़े अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रहे हैं। मुरुगप्पा चिन्नवीरप्पा मोदी कर्नाटक के एक बहुत बड़े डॉक्टर रहे हैं, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वैसे ही रुस्तम जी होमस जी मोदी टाटा समूह के प्रतिष्ठित सदस्य थे और टाटा इस्पात के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहे हैं। इसी तरह बिहार के भाजपा नेता सुशील मोदी, 80 के दशक की स्वतंत्र पार्टी के प्रतिष्ठित नेता पीलू मोदी, पद्म भूषण अमृति वी मोदी, पत्रकार, साहित्यकार और शिक्षाविद पुरुषोत्तम दास मोदी जैसे अनगिनत नाम है। गिनते रह जाए तो मोदी सरनेम वाले बड़े बड़े सम्मानित लोगों की लिस्ट और भी बेहद लंबी होती चली जाएगी। हालांकि राहुल गांधी अभी किसी की सलाह सुन नहीं रहे हैं। उन्हें 2 अदालतों से झटका लग चुका है। उनके पास अब हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा हुआ है, जहां वे अपील करेंगे। लेकिन राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के इस मामले से जितनी जल्दी अपना पीछा छुड़ा ले, उतना ही उनके करियर के लिए बेहतर होगा, क्योंकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आती जाएंगी, इस मुद्दे पर घमासान लगातार बढ़ता जाएगा। अगर राहुल गांधी अपना दामन बचाते हुए अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए सचमुच काम करना चाहते हैं, तो उन्हें इस मुद्दे से अपना पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अदालती लड़ाई कई बार बहुत लंबी खिंच जाती है, जो कि राहुल गांधी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वैसे भी राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को चोर बताकर गलती तो कर ही दी है, अब इस गलती के लिए उन्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, ये तय है। जय हिंद, जय भारत।